बस्तर संभाग मुस्लिम समाज द्वारा नन्हे बच्चों का सम्मान और हाजियों का इकबाल किया गया। आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने इस साल भी नन्हे रोजदारों का सम्मान किया। जुमा दिन जगदलपुर के बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यह आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक बच्चों का आना हुआ। सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर बच्चों का इस्तकबाल और हौसला अफजाई की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बस्तर संभाग संरक्षक हाजी वसीम अहमद की सरपस्ती में और अध्यक्ष बस्तर संभाग मोहम्मद साकिब खान के निर्देशानुसार बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यह आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसकी शुरुआत हाजिम हामिद साहब ने कुरान पाक की तिलावत से की। उसके बाद सैयद सलीम साहब ने नात मनकबत पढ़ी। इस दौरान हाजी वसीम अहमद ने फाउंडेशन के कार्यों को विस्तार से समझाया। इस आयोजन में हाजियों का इस्तकबाल भी की गई, जिसमें हाजी नुरुल आबेदीन, अकरम गौरी, वसीम जिलानी, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद नूर खान शामिल हुए। इसमें विशेष अतिथियों में फिरोज नवाब, अशफाक अहमद, जनाब सबीर कुरैसी, मुसीर खान आदि मौजूद रहे। सभी भाई और बच्चे और बातें बैठी मेरी माँ बहने, आप सभी का मैं तहे से इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारा संभाग का छठा आयोजन है। इसके पहले हमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिले में नन्हे रोजदारों का आयोजन किया है और आज हम बस्तर में छठा आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन में हमने पूरे संभाग से 550 बच्चों ने भाग लिया। इनाम से पाना है, सही मकसद बच्चों को देंगे के लिए लाना है। इसी मकसद के तहत हम आयोजन कर रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में आयोजन हमारा चल रहा है। 5,500 बच्चों ने इधर इसमें भाग लिया है। 11 साल से कम उम्र के बच्चे शिद्दत की गर्मी में जिन्होंने रोजे रखे हैं, उन बच्चों को हम उनके जद्दों को सलाम करते हैं और उनके माँ बाप की तरबियत को सलाम करते हैं, जो बच्चों को इतनी कम उम्र में दिन से लगाव लिए या रोजे रखने के उन्होंने बच्चों को उत्साहित किया। छोटा छोटा हमारा प्रयास है, छोटा सा बच्चों को देने के लिए लाना। इसी के तहत हम कलम का लंगर का आयोजन करते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। छोटी पेन के कलम का लंगर बच्चों को शिक्षा के साथ आकर्षित तालीम के लिए उत्साहित करने के लिए हमारा आयोजन हो रहा है अपने प्रदेश में। मैं यहाँ आए आप सभी लोग को छोटे बच्चों को थोड़ा प्रणाम लेट हो गया, इसमें माफी चाहूंगा, लेकिन पहले हाजियों के इस्तकबाल का आयोजन करेंगे हम। आप बताएंगे सर, आल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग के द्वारा आज नन्हे रोजेदार व हाजियों के इस्तकबाल का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें पूरे बस्तर जिले के 250 बच्चों ने भाग लिया। इसके पहले हम पूरे बस्तर संभाग में कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिलों में आयोजन हम कर चुके हैं। यह छठा आयोजन है, जो छोटे बच्चे शिद्दत की गर्मी में जो बच्चे रोजा रह रहे हैं उन बच्चों को दीन के करीब लाना हमारा मकसद है। इसके तहत हम ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हाजियों के इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा गया है। जो हज में जा रहे हैं उन हाजियों का भी सम्मान किया जा रहा है, पूरे संभाग से जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे टॉपर्स आए हैं 12वीं में 10वीं में टॉप बच्चे हैं, उनका भी सम्मान आज किया जा रहा है।